फतेहाबाद रोड के एक निजी होटल में 2 सितंबर को वेडिंग टूरिज्म को लेकर कॉन्क्लेव होने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पहली बार वेडिंग टूरिज्म को लेकर कॉन्क्लेव होने जा रहा है। कॉन्क्लेव का एजेंडा ये है कि कैसे वेडिंग टूरिज्म को बूस्ट किया जाए और आगरा को कई गुना बेहतर अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए। यूपी वेडिंग एसोसिएशन द्वारा 2 सितंबर को वेडिंग कॉन्क्लेव का आयोजन फतेहाबाद रोड के एक निजी होटल में होने जा रहा है। ये कॉन्क्लेव प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। कॉन्क्लेव के बारे में ये बताया गया कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर पर किया जाएगा। आगरा में वेडिंग टूरिज्म को बूस्ट करना इस कॉन्क्लेव का लक्ष्य होगा और इस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे वेडिंग टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। इससे शहर में हर तरह का विकास होगा। साथ ही ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में वेडिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य यही था कि प्रदेश को हम एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करें, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करें। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत दिन से हम लोग इस पर काम कर भी रहे थे और अभी तो एक हम पहला इवेंट कर रहे हैं जिसमें हम इंडिया के मतलब डोमेस्टिक और इस तरह का कर रहे हैं। बाद में हमारा भी प्लान है कि हम इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को भी बुलाएंगे और बाहर से जो लोग चाहते हैं वो भी इंडिया में आके वेडिंग करें। हमारा मूल उद्देश्य यही है। और हमारे यहाँ 2 सितंबर को एक कॉन्क्लेव होने जा रही है वेडिंग टूरिज्म के ऊपर, एंड ये पहली बार ऐसा है कि यूपी में एक वेडिंग टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रही है। और कॉन्क्लेव का एजेंडा यही है कि वेडिंग टूरिज्म को कैसे बूस्ट दिया जाए और आगरा को और अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन हम कैसे बनाया जाए, मतलब कंपटीशन टू जैसे राजस्थान की बात होती है या फिर कुछ और वेडिंग डेस्टिनेशंस की बात होती है, कैसे हम यूपी और आगरा को अपलिफ्ट करें वेडिंग फ्रेटर्निटी को और डेस्टिनेशन वेडिंग को। तो मेन एजेंडा कॉन्क्लेव का ये है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आगरा में है और आगरा में रिलीजियस और मेडिकल टूरिज्म के बाद जो वेडिंग टूरिज्म आने वाला है, इससे शहर में हर तरह का विकास होगा और इसमें जगह जगह जो आइडेंटिफाई की जाएंगी, जो प्रेजेंटेबिलिटी लाई जाएगी वेडिंग डेस्टिनेशन से, उससे हमारे शहर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलते हुए नाइट टूरिज्म और यहाँ पैकेज टूरिज्म शुरू होने जाएगा जिसका हम बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे। और ये हजारों हमारे यहाँ के आगरा के लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा और लगभग 20 सेगमेंट ऐसे हैं जिन जो उद्योग व्यापार के हैं, टेक्सटाइल है, ऑर्नामेंट्स हैं और लॉजिस्टिक्स वाले हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उन सबको जो उद्योग व्यापार से जुड़े हुए हैं उन सबको यहाँ काम मिलता है। तो एक पूरा आगरा की जो इकोनॉमी, आगरा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और यही हम नेशनल चैम्बर के थ्रू चाहते हैं। ताज हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमर धरोहर है और निश्चित ही ऐसे आयोजन उसके संवर्धन का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका है जब भारतीय वैवाहिक उद्योग के ऊपर कोई कॉन्क्लेव होने जा रहा है और इसको हम वेडिंग कॉन्क्लेव 2023 के माध्यम से देख रहे हैं। आगरा और आगरा को पूरा गेटवे, एक रास्ता हम पूरे यूपी के लिए आगरा से बनाने वाले हैं कि कैसे पूरे यूपी में वैवाहिक उद्योग बढ़े और डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बड़ा केंद्र यूपी के रूप में नजर आए। और जिस तरीके से सरकार का भी फोकस पर्यटन को लेकर है, पर्यटन विकास को लेकर है, उससे अर्थव्यवस्था को लेकर है, मुझे लगता है कि बहुत सशक्त और सबसे ज़्यादा मजबूत माध्यम ये भारतीय वैवाहिक उद्योग का होगा। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।